दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप हमारे YouTube चैनल मोंटीजन सेवा केंद्र में। इस वीडियो में बात करेंगे BSF सीमा सुरक्षा बल में आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं BSF ASI SCM के। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को पूरा वॉच करिए, जब आपको पता चल पाएगा कि आप ऐसे ASI के फॉर्म कैसे भर सकते हैं। BSF में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है, शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए, वीडियो को फॉरवर्ड करिए। अभी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो मिल सके। जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट दिखाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, sarkarresult.com पर जाना है, गवर्नमेंट की साइड है ये। आने के बाद नीचे आएंगे लास्ट जॉब का ऑप्शन मिलेगा, इसी के नीचे आपको मिलेगा BSF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर एंड ASI स्टैंड ऑनलाइन फॉर्म 2024, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर मान लें आप जनरल OBC डलर्स कैंडिडेट हैं तो 100 फीस है, SST के लिए 0 बैलेंस है, फीमेल के लिए 0 बैलेंस है, कोई भी कास्ट। 9 जून से लेकर 18 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी नहीं रखी गई है इसकी, 18 साल से लेकर 25 साल मांगी गई है, 1526 पोस्ट निकाली गई है। इसमें आप 10+2 से भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों, यहाँ पर ये SI का है और यहाँ पर ये स्टेनो ASI स्टेनो है और ये हेड कॉन्स्टेबल का है। 1283 पोस्ट इसमें इंटर से आपसे मांगी गई है। तो यहाँ पे CRPF BSF ITBP CSF ISS BSM राइफल्स, ये कुछ वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो दोस्तों सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करते हुए ना यहाँ पे आप एक बार वैकेंसी को चेक कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी, यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ मांगा गया है, मतलब कि यहाँ पे दिखा रहा है कितनी पोस्ट कौन सी उसमें निकाली गई है। यहाँ पे आप चेक कर लेना एक बार अच्छे से, उसके बाद नीचे आएगा अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक करें, इस पर क्लिक करोगे। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप लॉगिन कर सकते हैं फॉर्म को। अगर आप पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इस ये कैंडिडेट लॉगिन, आप क्लिक करोगे। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन पे पोर्टल पर आप आ चुके हैं। अगर आप पहली बार यूजर हैं, पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले। अगर आप पहले भर चुके हैं फॉर्म को तो आपको अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है, कैप्चर यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको पहली बार कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों करना क्या है आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है जो भी 10वीं की मार्कशीट में है, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी, और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद OTP आएगा आपके पास, OTP आने के बाद वो OTP आप फिल कर देंगे और फिल करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ किस तरह का मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जब OTP वगैरह आप डाल दोगे तो नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है, यहाँ पर आपको ID मांगी जाएगी, तो एक ID आपको सेलेक्ट करनी है, आधे ID डालनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोबारा से एक ID आपको डालनी पड़ेगी अपनी। उसके बाद आएगा आपका जन्मतिथि आपको डालनी है। उसके बाद आपकी नेशनलिटी आ जाएगा, फिर आपके पिताजी का नाम आएगा यहाँ पे, फिर आपके माताजी का नाम आपको डालना पड़ेगा, फिर आपका बॉडी मार्क, चेहरे पे कोई तिल कट मार्क जो भी है उसे डाल सकते हैं, जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं मेल है फीमेल है। उसके बाद आएगा आपका मैरिड है इनमैरिड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा डोमिसाइल डिटेल्स का, तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल की डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप UP से है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो मतलब जहाँ से भी है आप, मतलब आपके पास अगर मूल निवास है तो आप इसे यस करिए। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है यहाँ से आप सेलेक्ट करिए, उसके बाद उसका डोमिसाइल का नंबर आपको डालना पड़ेगा मूल निवास का, फिर नीचे आना है, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आपका धर्म कौन सा है, आप हिंदू मुस्लिम जैन जो भी है, ज़्यादा आपका धर्म जो सा भी है वो आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपका आएगा जाति, आपकी जाति कौन सी है, जनरल है SC OBC जो भी है आपकी जाति है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जनरल वाले हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देने की। अगर आप और जनरल से अलावा अगर आप दूसरी कार्ड से फॉर्म को फिल कर रहे हैं और दूसरी कोई कार्ड से, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ सकता है, अपना जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसने कौन से स्टेट से जारी हुआ है वो डालना है। उसके बाद में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, किसने जारी किया है, उसके बाद उसका डेट कब की आपकी जारी होने की उसका डेट डालना है। उसके बाद आएगा आपका भर्ती का तरीका, तो भर्ती का तरीका यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको अपना यहाँ पर चॉइस करना है, डायरेक्ट ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पर आप अगर आप दिव्यांग है तो यस करिए, नहीं तो नो। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो।
उसके बाद यहाँ पे भी आपको नो कर देना है, उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आएगा आपका पर्सनल डिटेल का ऑप्शन, तो देख सकते हैं मेरा डाटा अपलोड हो चुका है, मतलब डाटा सेव हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं डाटा सेव होने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा पूरा का एड्रेस, पिन कोड के साथ में जिला वगैरह, पुलिस स्टेशन वगैरह सारा डाल देगा आप, जो भी है आपका तहसील वगैरह जो भी आपकी वो डाल देगा। अगर आपकी दोनों एड्रेस सेम है तो दोस्तों आपको यहाँ पर टिक कर देना है, अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग आप फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, उसके बाद आपको कर देना है अपना तहसील का नाम डाल देना है, और उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद डिटेल आपकी यहाँ पे सक्सेसफुल सेव हो जाएगी। आप सबसे पूछा जा रहा है हाँ डू यू हैव एनसीसी, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप इसे यस करिए, और जो भी आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसकी डेट वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ जो जो आपसे मांगी जा रही है डिटेल, उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों तो आप इसे नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी आपका जो है नो ही रह जाएगा ये, ठीक है दोस्तों इतना आ गया समझ में। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है, अगर खेल का कोई आपके पास आईडी प्रूफ है तो आप उसे डाल सकते हैं, मतलब उसका कोई सर्टिफिकेट नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपकी हाइट, मतलब आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट जो आपकी हाइट कितनी है, मतलब जितनी भी हाइट है आपकी वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, चेस्ट है जो भी वो डाल सकते हैं, वेट आपका वजन कितना है वो डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद ब्लैक लिस्ट आपसे डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपके पास आपके नाम पर कोई केस वगैरह चल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ नहीं करना, नीचे आना है, यहाँ पे आपको नो नो कर देना है सब पे, उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। डाटा आपका सेव हो जाएगा, फिर आएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, तो यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपको टेंथ की डालनी है, टेंथ आप सेलेक्ट करिए, सर्टिफिकेट नंबर डालिए टेंथ का, डेट ऑफ पासिंग आपको डालनी पड़ेगी, स्टेट आपका कौन सा है, बोर्ड का नाम आपको फिल कर देना है, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीआई है, अदर बोर्ड भी काफ़ी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ही आपको इंटर और हाई स्कूल की डिटेल दोनों की डाल देनी है, क्योंकि ये मैं ये इस फॉर्म को भर के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये इंटर से निकाला गया है 1283 पोस्ट वाला। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरी ऑलरेडी डिटेल डली हुई है, तो देख सकते हैं मेरी इंटर हाई स्कूल और ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है, तो मैंने उसकी डिटेल भी यहाँ पर फिल कर दिया, मतलब तो अगर आपके पास और डिटेल है तो उसकी डिटेल भी आप डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आप अपना फॉर्म को आगे बढ़िए और नेक्स्ट करिए, तो नेक्स्ट मैं कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा क्या आप सेवा करते हैं, अगर आप पहले से कार्य कर रहे हो, मतलब इसमें आप पहले से सेवा कर रहे हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं, नहीं तो कर देना है नो। उसके बाद आपको कर देना है सेव। सेव करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए होंगे सारे आ जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सब करना है और यहाँ पर कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पर आपको अप्लाई वाला बटन मिलेगा, अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करोगे आप, फिर आप यहाँ पर आ जाओगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी पोस्ट आपकी निकाली गई है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये जो पोस्ट आपकी निकाली गई है, सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे से सेकंड नंबर पर ये देख सकते हैं 8 जुलाई, जो 8 जुलाई 2024 लास्ट डेट दिखा रहा है, इस वाले अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करोगे आप। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पोस्ट के लिए बोला जा रहा है सेलेक्ट पोस्ट, तो आप अपनी पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने पोस्ट सेलेक्ट किया है, ये थोड़ा सर्च कर रहा है तो सर्च होने देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको समझाऊंगा। फिर यहाँ पे बोला जाएगा कि आपकी इंटर पास हो चुकी है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, हाँ जी मेरी हो चुकी है। उसके बाद आपकी हाइट यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इन राज्य से आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं
सिक्किम, बंगाल, अगर आप इन राज्य से हैं तो ये इनमें से देख लीजिए, नहीं तो आप अदर कैंडिडेट पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी हाइट वगैरह ये सारा कुछ आ जाएगा। ऑलरेडी मेरा पहले ही भरा हुआ है, अगर नहीं भरा हुआ है तो आप भर लीजिए, हाइट, चेस्ट और ये वजन। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी अपलोड क्वालिफिकेशन अपलोड करेंगे, मतलब 12वीं का आपको सर्टिफिकेट, यहाँ पे मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है जो भी है वो आप अपलोड करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद नीचे बोला जाएगा फोर्स प्रीफेंस, तो आप फोर्स मतलब प्रीफेंस आप देना चाहेंगे, मतलब पहले भी आप CRPF रखना चाहते हैं या BSF रखना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे अभी सिंपल सैंपल के तौर पर अभी डाल के दिखा रहा हूँ, बाकी जो भी आपको ठीक लगे वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रीफेंस भर लेना। और एक बार चेक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका प्रिंट का प्रीव्यू आ जाएगा, डिटेल आप अच्छे से वेरीफाई कर लोगे। अगर आपको लगेगा सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे आपको अपना प्लेस का नाम डालना है, जिस जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे केंद्र की प्राथमिकता, तो यहाँ पे आपको अपनी सेंटर डालना पड़ेगा, जो भी आपके आसपास है डाल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगेगा। मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली डाल लेता हूँ। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको टिक करना है, उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। फॉर्म को अच्छे से चेक करने के बाद उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, आगे बढ़ेंगे आप। अब ये पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको ले जाएगा, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं मेल कैंडिडेट के, जनरल OBC वालों की, अगर आप देख सकते हैं अभी पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, तो जिससे भी आपको ठीक लगे उससे आप अपना यहाँ पे 47 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप BSF का फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर लीजिए, हेड कॉन्स्टेबल है ना ASI का, तो प्रोसेस मैंने बताया कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और घंटी का निशान जरूर दबाइए जिससे आने वाली वीडियो मिल सके, और अपने भाई को जितना हो सके सपोर्ट दिखाइए। वीडियो को लाइक और दबा के शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने।